तो दोस्तों आज है हमारा डे 3 मनाली में, और आज हमें भोर में टेम्परेचर मिला -8 था, लेकिन फील लाइक -12 थी, तो हम लोग जल्दी निकले नहीं। और आज यहाँ पे इलेक्शन है तो अधिकतर दुकानें बंद, और हमारा एक सरप्राइज प्लान है, पहुँच के आपको दिखाते हैं तब तक के लिए। तो दोस्तों हम लोग अब मेन रोड से छोड़ के हिडिमा देवी टेम्पल की ओर जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई है, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है, पर हाउ द जोश, हाई ऐसी तरह का हाई है। चढ़ान में सबकी हालत ख़राब है, बट अब तय कर लिया है। पैसा देखे नहीं होंगे आप, बस कर एक बार जरूर आइएगा। यहाँ ब्लॉग ये हमारे साथ एक छोटा सुमो चल रहा है। यहाँ के कुत्ते बहुत ज़्यादा बाल वाले हैं, भगवान ने इनको ऐसा ही बनाया है। आराम से रहो भाई। चलिए दोस्तों, हैवी ब्रीदिंग हो रही है, आगे आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मनाली के फेमस हिडिम्बा देवी टेम्पल में। तो ये यहाँ का बहुत ही जाना माना और पुराना मंदिर है। लोग यहाँ पे बहुत सारी अपनी मन्नतें मानते हैं, और ये अंदर से थोड़ा गुफा टाइप का है, शायद भूमिगत होंगी या फिर ज़मीन से निकली हुई होंगी। यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप यहाँ के देवदार के पेड़ों को देखें तो यहाँ के देवदार के पेड़ बहुत ज़्यादा सुंदर इन्वायरमेंट यहाँ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। लोग यहाँ घूमने बहुत ज़्यादा आते हैं। आज हम भी आए तो हमारा दिल खुश हो गया, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रेयर वेयर भी कर ली, उसकी फ़ोटोज़ आपको अभी मिल जाएगी। प्रेयर वेयर भी हो गई, घूमना भी हो गया। अब हमें यहाँ से कहाँ निकलना है भाई? डोंगरी तो विलेज यही है, डोंगरी विलेज बेस कैंप। डोंगरी विलेज बेस कैंप से हमें जाना है, और कौन सी चढ़ाई करनी है? खानपरी टिब्बा। आज हमारा ट्रैक है खानपरी टिब्बा का। तो यहाँ से तो अब वो निकलना हो गया, मिलते हैं हमारे दोस्तों से। आइए, ये है तरुण सेठ, दूर से हेलो कर दीजिए भाई। पहले से लेट है भाई, 2 घंटे पहले से हम लोग लेट हो चुके हैं, सुबह थोड़ा सा टाइम लग गया निकलने में। तो अब आपसे मिलते हैं ट्रैक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। So also again welcome guys, the trek of Lama Duke has been started and one of our mate is injured with a lot of trees, but there is no way. Generally if I have to say that the way is extremely steep, and we have no idea where are we going, but we have seen that and we have listened from so many people that this is the original way to the Lama Duke track. So we will take the risk, and if we don't take the chance, what will we get? Nothing. So far so good. So before you, if I told you these are the scenes of the nature with extremely cold, chilly, airy atmosphere. So this is our friend Shubham Singh. Hi, saying hello to you. And this is Tarun Seth. Hello guys, keep watching. And this is Aman, our new mate in our team, who has joined us from Chandigarh, and we are from Varanasi. A new kind of. He is very well known of us. So we will see you in our way. So the way from where we started our trek, that was extremely bad, not a single way to climb up. But if you see here, the trek way is looking much better than that. The atmosphere is very good, and if you see behind me, there are the trees of Devdar, which helps to make the environment chilly, and they extremely calls the breeze. Sorry for the disturbance. So guys, I will see you in the next moment.
सो गाइस हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हमें स्नो मिलना शुरू हो चुकी है। हाँ, बेकार है वो तो। ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो चुका है। चढ़ने के लिए रास्ते थोड़े ख़राब हैं क्योंकि पुरानी बर्फ़ जो गली है उससे मिट्टी कीचड़ हो गई है, और वो रहे वहाँ के सीन। मनाली घाटी आपको ऊपर पहुँच के दिखाएंगे, अभी यहाँ से आपको इतना ही दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे सारे टीममेट थक चुके हैं पूरी तरह से, तो हम लोग रेस्ट कर करके आराम से चढ़ रहे हैं। अभी ऊपर की चढ़ाई और खूबसूरत है क्योंकि ऊपर बर्फ आप यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर और ज़्यादा बर्फ मिलेगी। तो दोस्तों चलिए ऊपर पहुँच के आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चढ़ चुके हैं। अरे भाई हमको दिखाओ ऊपर वालों को। हाँ, ऊपर वाले ये हमारे तरुण सेठ। हम लोग इसमें लॉयन किंग स्टोन पे बैठे हुए हैं जो कि मनाली से हमारे लामा डुक वाले ट्रैक के बीच रास्ते में पड़ता है। मेरे 800 मीटर के आसपास है, उससे ज़्यादा होगा। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको यहाँ पे पूरी होल बर्फ वाले पहाड़, और अगर नीचे देखें तो आपको ये पूरी मनाली की घाटी आपको नज़र आएगी साफ साफ। बीच में व्यास नदी का पुल भी है जो कि थोड़ा कोहरे की वजह से आपको न दिखे, लेकिन यहाँ पे आपको ये कौन सी पेड़ है भाई, भूल गए? देवदार। हाँ, देवदार के पेड़ ये आपको दिखेंगे। और अगर मेरे दूसरी तरफ देखें आप तो आपको मिलेगी अच्छी खासी स्नो। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी स्नो है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अभी हमसे दो ट्रैकर मिले थे जिन्होंने बताया कि भैया 4 फीट आगे 4 फीट से ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। शायद आप लोग ना कर पाए, लेकिन ठानी है तो करके रहेंगे। अगर एक बार मन में सोच लिया है पॉसिबल है। खानपरी टिब्बा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन लामा डूब करने की बहुत हार्ड है, पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि खानपरी टिब्बा जाने में एक दिन लग जाएगा और हमारे पास पहाड़ों पर रुकने के कोई साधन नहीं। और इतना बड़ा रिस्क किसको लेना है यार, क्या पता रात में लेमड़ी लोमड़ी भेड़िया भालू कुछ भी आ जाए। हाँ, तो इतना कुछ नहीं करना। तो अच्छे से अपना पूरा हम लोग ब्लॉग कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी ये हम आपको एक बार फिर से आपको व्यू दिखा देते हैं, और इसकी कुछ फ़ोटोज़ मैं डाल दूंगा जो कि इस वीडियो के बाद में आपको शो होगी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्लियर और कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। बट दोस्तों बस आपसे एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप ना कर पाएँ, अगर आपको फिसलन भरी जगहों में अच्छे से चलने के लिए आपको अधिकतर स्पाइक्स वाले जूते अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल शूज़ नहीं चल पाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। हमारे दोस्त भी कुछ गिर के घायल हो चुके हैं, कुछ को कांटे धस चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत बांध के चले हैं, तो आगे भी चलेंगे। इसी बात से बोलिए नमः पार्वती, पार्वती हर हर महादेव। तो दोस्तों मिलते हैं आगे। अबे सरक रहा है भाई। खानपरी टिब्बा जाने वाले रास्ते में है, लामाडू कभी दूर है, लेकिन बहुत ही स्मूथ स्नो के पास है हम लोग। बिल्कुल बहुत साफ और बहुत सही। थोड़ी गर्मी है यहाँ पे तो इसलिए हम लोगों ने जैकेट उतार दी है। अभी हम लोग को और ऊपर वहाँ तक जाना है। ट्रैक पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है, अब आगे चलते हैं ऊपर। चल भाई कहीं रुक गया, देखते जो मिलता है करते हैं। तब तक ले भाई, की वॉचिंग। चल आप लावा डुका बेच लिया, वन विभाग का बना हुआ है रेस्ट करने के लिए। आओ यहाँ से बस 1 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम लोग स्नो पे और ऊपर आ रहे हैं, कदमों के निशान फॉलो करते हुए हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। बस इस जगह बहुत सुंदर है, पीछे की पहाड़ियाँ भी बहुत अच्छी है, और चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ है। मतलब मैं पैर आराम से इसमें ग्रिप बना के ऊपर चढ़ सकता हूँ। तो देखते हैं हमारा ट्रैक पॉइंट आगे कहाँ तक लेके जाता है।
स्नो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, चलने पे थोड़ी फिसल रही है। बहुत रिस्क से हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, ऊपर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात, थकावट तो बहुत हो गई है। आगे चल के बात करते हैं। अब तो इंसान था वो भी गया अभी तक, निशान कहाँ? ये तो नहीं है, है तुम्हारा आया हुआ है। बर्फ़ बहुत तगड़ा धस रही है, पैर हम लोग का कितने धूप को तो दोस्तों हम लोग लामा डोक भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से गलती हुई क्या कि हमारे पास पीने का पानी ख़त्म हो गया और हमने सिर्फ एक ही बोतल रखी थी बाय मिस्टेक। तो एक ट्रैकिंग करने के लिए जो जो चाहिए होता है वो चीज़ें हम लोगों ने नहीं रखी, जिनकी वजह से, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं थी, यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें नीचे भी उतरना है और ऊपर की चढ़ाई आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ की चादर है। यहाँ हमारे दो दोस्त आराम कर रहे हैं, एक दोस्त अभी तक हिम्मत नहीं हारा है, वो तरुण सेठ अभी तक हिम्मत नहीं हारा है, अभी तक ऊपर गया है, वो भी आ ही रहा है वापस, उसकी भी हिम्मत टूट गई है। ये मनाली के पहाड़ है साहब, अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ देते हैं। वैसे हमने घमंड तो नहीं किया था, बस चढ़ने की कोशिश की थी तो पूरी तो नहीं हो पाई, अगर साधन होते तो आज इसके घमंड को ज़रूर तोड़ते, क्योंकि चढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ रास्ते थोड़े ख़राब ज़रूर है, बट कोई दिक्कत नहीं हुई। डिपेंड करता है कि आप जब भी यहाँ पे आए एक ट्रैकिंग शूज़ आप ज़रूर से रेंट पे ले लें, और बेटर होगा अगर आप एक ट्रैकर को हायर करें तो वो आपको अच्छे और सही रास्तों से ऊपर घुमा सकता है। अभी हमारे सामने से एक ट्रैकर दो लोगों को लेके गया था, लेकिन वो भी बोला कि भाई साहब हम लोग आधे घंटा दिखा के स्नो फिर वापस हो रहे हैं, तो गया है वो भी आधे घंटे में रिटर्न होगा, और हमारा फ्रेंड भी रिटर्न ही हो रहा है। तो अब हम लोग नीचे मिलेंगे आपसे, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे 1.5 से 2 फीट तक हमारे पैर धंस रहे हैं बर्फ़ में, तो इसके आगे जाने कोई फ़ायदा नहीं है। जीन्स पहना हुआ है तो, और उसका वाटरप्रूफ जैकेट नहीं है, अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी। तो अब मिलते हैं आपसे नीचे, मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमें मिले हैं एक स्नोमैन। मैं स्नोमैन नहीं, स्नो आंटी हूँ। अच्छा आंटी है आप, तभी हम कहे लिपस्टिक क्यों लगी है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है तू मेरे पे। अरे नहीं आंटी, शरीफ लड़के हैं। अच्छा ये बताइए आंटी कि यहाँ पे इतनी ठंड क्यों है? वो अब्बा जो मेरे थे ना हारमोनियम बजाने वाले, उन्होंने यहाँ पर फ्रीजर चालू कर दिया रहा। ये क्या जवाब हुआ आंटी? अब मैं जवाब तुम्हारे सवालों के तो रही ना दूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा आंटी आपके मुंह में क्या लगा है? बीड़ी जा भी हूँ, बीड़ी। बीड़ी? हाँ। क्यों आंटी? हमारे अब्बा बता गए थे ठंडी में बीड़ी पीने से गर्मी आती है। हाँ। अच्छा आंटी आप यहाँ है तो अंकल कहाँ है? अंकल गए हैं। हाँ। नहीं आंटी को लेने। नहीं आंटी को लेने? हाँ। आप चलो हमारे साथ। नहीं हट लुच्चे। ए आंटी बेइज्जती नहीं यार, चलिए आप हमारे साथ चलिए। कहाँ ले जाएगा मुझे? चलो बनारस घुमा ले। 150 रुपए लेगी। तो गाइस अब हम लोग पहाड़ से बर्फीली जगहों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं, तो अब यहाँ धीरे 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 बर्फ़ ख़त्म हो रही है और अब फिसलने में वाला कोई नरक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत फिसले बहुत गिरे। आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि अच्छे खासे ग्रिप वाले शूज़ पहन के आएँ तभी सही रहेगा, वरना चोट लग सकती है थोड़ी बहुत। चलिए ठीक है आगे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग ट्रैक से नीचे आ चुके हैं, रास्ता ये थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत सा है। एक नंबर भाई मनोरम, ओ माय गुड टुरुला टुरुला, ये वाला रास्ता इतना अच्छा है, आप लोग को जब भी ट्रैक करना होगा इसी रास्ते से करिएगा। हम अपने स्पेशल पर्सन को बुलाते हैं शुभम जी, करी भाई यहां से। इनके लिए रास्ता कुछ मायने ही नहीं रखता है, पीछे बैठ किया सेट किया सरक गए। हालत देखेंगे, हालत देखेंगे। 600 मीटर नीचे, इधर इधर घूमिए घूमिए घूमिए। ये देखिए, नहीं नहीं ये नहीं, क्या दिखा रहे तू? ये गंदगी लगी बहुत गंदगी लगी है, घास इनके पैंट तक घुस गई थी, मतलब गमले में घास उग गया भाई। हाँ बस ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है दोस्तों। अभी टेम्परेचर यहाँ का -5 डिग्री सेंटीग्रेड है,
कैसे पता चला? वो हम लोग बस माइनस सिक्स हो गया। अभी माइनस सिक्स हो गया। टेम्परेचर तो गिरता ही जा रहा है। क्या बताएं? अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ तो गिरता ही जा रहा है। अभी तो कुछ और दिखा रहा है। चलिए बस, टेम्परेचर गिरता जा रहा है। खाना खा पी लिया। मनाली का सफ़र बस यहीं तक था दोस्तों। कुछ खास रास तो नहीं आया, लेकिन जगह अच्छी है। पता नहीं, शायद कुछ खास इसलिए रास नहीं आया क्योंकि हम दोनों लोग का दूसरा जोड़ा भी साथ नहीं आया। तो मतलब ये है कि सब बात की एक बात ये कि मनाली कुंवारों के लिए नहीं है, या शादीशुदा है तो भी ठीक है। शादी के बाद ही आइए तो ज़्यादा सही है। अगर आप बर्फ़ देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तभी आइए। और उसके लिए आपको आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, चढ़ने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए और सारे सामान होने चाहिए, क्योंकि आपने वीडियो में देखा है कैसा हुआ सब। तो अगर इतना सब आपके पास है, आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप 4 से 5 किलोमीटर तक के पहाड़ चढ़ सकते हैं, तब आइए मनाली, वरना बिना शादी करिए मत आइएगा। कुछ खास मज़ा नहीं आया। ऐसे नैनीताल घूम सकते हैं, और भी दूसरे हिल स्टेशन हैं। अभी आगे एक और सरप्राइज़ है, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए तब तक करते हैं इस ब्लॉग को कंप्लीट। कल सुबह हमारी बस है, हम लोग आ चुके हैं यहाँ। वेट, नैनीताल के बस स्टैंड। एक ब्लॉग हो चुकी है मेरी अपडेट जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे जी। गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द प्रेस आइकन, बेल आइकन, इनका भी चेक करिए, बहुत अच्छा है। और इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा सरप्राइज़ पहले था, अगर वो आपको इंटरटेनमेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।